भाई ठीक है। अरे उठाओ यार इसे, लाओ लाओ गड्डी लाओ, गड्डी लाओ साइड। देखो भाई इसको इतना समझा के आया मैं कि भाई रुक जा थोड़ी देर, रेस्ट कर ले, तेरे से बाइक नहीं चलनी। अरे भाई से बर्फानी तेंदुआ ना, खतरनाक यार, क्या बात है, क्या गजब बैठा है यार। आराम आराम से निकलो यार, आराम से निकलो, आराम से। गाड़ी पे छलांग ना लगा दे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है माउंटेन क्रेश चैनल पर। अपनी बिजी लाइफ से ब्रेक लेके फिर से निकल पड़े हैं एक नई मंजिल की ओर, जो कि बसती है हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों के बीच। इस सफ़र की शुरुआत मैंने की है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स को पिकअप करने हमीरपुर के अपने छोटे से और खूबसूरत कस्बे भोरंज में। चंडीगढ़ से भोरंज में जा रहा हूँ बाया स्वारघाट बिलासपुर होकर। कीरतपुर नेर चौक को जोड़ने वाली जो टनल है कैंची मोड़ में, उसका काम पूरा हो चुका है, पर उसके आगे पीछे रोड का काम अभी भी चल ही रहा है, इसीलिए मुझे बाया स्वारघाट होकर ही जाना पड़ेगा। कैंची मोड़ टनल का दूसरा छोर महिला में एग्जिट करता है, जो आगे नेर चौक तक ही फोर लेन बन रहा है, और ये बिलासपुर को भी बाईपास कर देगा, जिससे मनाली तक का सफ़र बहुत ही कम समय में तय किया जा सकेगा। चंडीगढ़ मनाली फोर लेन की ये फर्स्ट टनल रहेगी और इसकी लेंथ 1800 मीटर है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी पहुंच चुके हैं हम मंडी रोड पे, और आते आते पिकअप कर लिया हमने अपने साधु संतों को। वो रहा साधु, वो दिख ही रहा होगा, और ये हैं अपने दो भाई संत, ये बब्बू और नीतीश को तो जानते हो। तो अभी जिगर निकल रहे हैं हम जिप्पी के लिए, रात को स्टे करेंगे जिप्पी। हमने खाए बर्गर, अंकल को बर्गर, और यहाँ पे अभी हमने ना बर्गर खाए। हम जब भी इस रोड से जाते हैं ना, तो ये अंकल कहाँ गए, अरे अंकल कहाँ गए, अंकल ऊपर चले गए, यहाँ पे हम बर्गर खाते हैं हमेशा कलखर वाले रोड पे। कलखर से मंडी रोड पे पड़ता है, बीच में भाई साहब का यहाँ पे ये स्टॉल है, यहीं पे हर बार बर्गर खाकर चलते हैं हम। और कैसा था भाई बर्गर? बहुत ही ऑसम, ऑसम बर्गर था भाई को, बहुत टेस्टी लगा, भाई ने पहली बार खाया। तो अभी निकलते हैं अपन अब यहाँ से, और मिलते हैं आपसे ऑन द वे टू जिप्पी। यार इस बार ना हमने तीन चार जगह, कितनी जगह शॉर्ट लिस्टेड कर रखी थी यार नीतीश, तीन चार जगह मतलब अप्रॉक्स शॉर्ट लिस्टेड कर रखी थी। तो फाइनली प्लान बना है जिप्पी जाने का, तीर्थन वैली चलेंगे जिप्पी। पर पहले तो ये भी सोच रहे थे कि बर्फ भी देखेंगे, अब पता नहीं वहाँ बर्फ पड़ी होगी नहीं पड़ी होगी, तो जाकर ही पता लगेगा। जिसको खास कर बर्फ देखनी थी वो बंदा तो आया नहीं भाई, ड्यूटी के चक्कर में रह गया। हम चलो हम ही देख लेंगे अगर दिखी तो। आप पहुंच गए पंडोट डैम में, और ये रहा डैम का पुल, और ये रहा डैम का पानी, और पानी के साथ ये रहती हुई बीच में मछलियां, और ये चले हुए ये हम कैसे दिखाएं, हम दिखाएंगे ऐसे घुमा के कैमरा, ये देखिए हम यो, और ये रहे बुक खाने के ढाबे। तो इन ढाबों के बारे में बात करेंगे हमारे मित्र। और यहाँ की चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब भी इस रोड पे ट्रैवल करो ना भाई साहब, अवॉइड करो यहाँ पे खाना, मतलब भले लंच कर रहे हो, डिनर का टाइम हो रहा हो, आप या तो भाई कुल्लू खाओ या पीछे मंडी में खा लो, पंडोह में एक बार के लिए ट्राई भी कर सकते हो। तो भाई ये पंडोह से लेके कुल्लू के बीच में जितने रेस्टोरेंट पड़ते हैं ना भाई, इतना फर्जी खाना है ना इनका, बहुत बार खा चुके हैं हम और बहुत बार पेट भी खराब करा चुके हैं, तो इसीलिए तो अब हमने डिसाइड कर लिया भाई अपना खाने पीने का सारा तड़ा तमनिया साथ ही रहता है, जहाँ दिल करे वही पकाओ खाओ और निकलो आगे, वही अवॉइड करो यहाँ रेस्टोरेंट। एक मतलब एक बार तो इतना हालत खराब है कि हमने इनको बोला, क्या बोला था यार, शाही पनीर, हाँ इनको हमने बोला कि भाई साहब शाही पनीर खिला दो, भाई साहब चिली पनीर ले आए, मतलब मैं बोला भाई तू क्या है, कुकिंग करा रहा है क्या कर रहा है, मतलब अवॉइड करो यहाँ पे खाना, सीधा कुल्लू निकल जाओ वहीं खाओ, या फिर पीछे मंडी में देख लो भाई। भाई ठीक है, भाई अभी हम मजे करने जा रहे हैं, हम दिखाएंगे नहीं आपको। अभी हमने गाड़ी यहाँ पे रोकी है, उसका रीजन ये है, वो जो भाई साहब दिख रहे हैं ना, भाई साहब तगड़ी ड्रिंक करी हुई है और नीचे गिरे हुए हैं झाड़ियों में, तो कोई नहीं देख रहा था भाई को, हमने उठाया इसको जाके, बाइक उठाई इसकी। देखो भाई इसको इतना समझा के आया मैं कि भाई रुक जा थोड़ी देर रेस्ट कर ले, तेरे से बाइक नहीं चलनी, फिर भी देखो लगा हुआ है भाई, मरेगा ये आगे, इतनी भयंकर पी रखी है ना इसने देखो, और ये बोल रहा कि मैं मंडी जा रहा हूँ, मंडी पीछे को आया और जा रहा है कुल्लू साइड, इसको ये नहीं पता कि कहाँ जा रहा है ये।
और यहाँ पे अंकल आंटी जी फोटो शूट कर रहे हैं। इन्होंने मेरी पहाड़ी कैप ले ली है कि हमें फोटो शूट करना है, तो मैंने भी दे दी, मैं क्या खिंचवाओ भाई फोटो, पक्का खिंचवाओ, क्यों नहीं खिंचवाओ। माता आज यार अलग ही मजा इस पे, पता क्यों आ रहा है? क्योंकि आज हम पहली बार डे लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं इस रोड पे, नहीं तो हर बार यहाँ पे तो बिल्कुल अंधेरा, आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं दिखता था, बस रोड ही रोड दिखता था। ये भाई हमारी वो टनल, कब यार कौन सा दिन कब आएगा वो दिन जब हम इस पे गाड़ी चलाएंगे ऊपर, कब आएगा? और ये देखिए तब तब ना हम ऊपर से वीडियो शूट करेंगे, हम वहाँ चलते थे नीचे, वहाँ से बनेगी वीडियो, वहाँ से कहाँ से 2025 में कंप्लीट हो जाएगा भाई। बच्चे से फाउंडेशन कितनी गहरी होगी? बिल्कुल गहरी होगी भाई, एक बार बनती है चीजें। इनकी मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी आप कभी गेस कर सकते हो? 100 साल? नहीं आप 100 साल? आप क्या बोल सकते? 100 साल तो नॉर्मल है। 100 साल? नहीं नहीं नहीं, अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए तो अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो ना जो आर्किटेक्चर थे और जो इंजीनियर थे, उन्होंने ऐसी करामात करके दिखाई थी जो इंडिया वाले सोच नहीं सकते थे। तो क्या हमारे, लेकिन जो इंजीनियर थे वो इंडिया वाले थे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, ठीक है? उनको उन्होंने गाड़ी में भरा और देख लो, थ्री इडियट में इतने जबरदस्त इंजीनियर थे। राजू रस्तोगी इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट करता था? कैसा लगा मेरा मजाक? ये भी कलाकारी है। अरे चलो वो भी अच्छा है। मंदिर के सामने गाड़ी ना खड़ी करें। ये है हनुमान माता मंदिर। जय माता दी। ये देखो, अरे भाई कितना ज्यादा हिल रहा है, जैसे ये कोई बड़ा ट्रक निकलता है ना यहाँ से भाई, जबरदस्त हिलता है, एकदम डर लगता है कि अब भी नीचे गया, अब भी नीचे गया। तो ये भाई को एक्सपीरियंस करवाना था अपने साथ वाले को कि कैसे हिलता है ये ब्रिज भाई, हिल रहा है ना? खतरनाक यार, क्या बात है। जब ट्रक का मिल रहा है, ज्यादा तो नहीं हिल रहा भाई, भाई ले लो यार फोटो भाई। इस जगह की भी अलग ही खासियत है यार, ये देखो पहाड़ देखो ऊपर, बीच में ब्रिज, और ये इस तरफ पहाड़ देखो, इस तरफ पहाड़ देखो, और इस तरफ भी पहाड़ देखो, चारों तरफ पहाड़ और बीच में से नदी, डेडली कॉम्बिनेशन। और इसके ऊपर खड़े हो आप किसी ब्रिज के ऊपर, वैसा अलग ही फील। पहाड़ कैसे चमक रहा है यार, कैलाश पर्वत की तरह। देखो भाई पहाड़ों पे जाम पता है सिंगल रोड पे किस लिए लगता है? ये जो दिख रहा है ना कल्प्रिट आपको, ये देखो लाइन तोड़ के कहीं जा रहा होगा और सामने से हो गया, सामने से ट्रक आ रहा होगा तो लग गया जाम। अब देखो रिवर्स लेके आ रहा है। तो अगर भाई बाहर से आ रहे हो ना और सोच रहे हो कि आप ओवरटेक करके निकल जाओगे तो इसकी तरह फंसोगे, तो इसलिए लाइन अगर चल रही है तो भाई लाइन के पीछे ही चलो, फालतू में ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो ओवरटेक करने का। यहाँ पे ऐसे जाम लगते हैं और सबको परेशानी होती है फिर जाम में। अब देखो भाई पता नहीं कहाँ से रिवर्स करके ला रहा है, इसको जगह नहीं देगा कोई भी घुसने वाला। ये देखो ये कार वाला ना कैसे चिपका रहा है कि इसको जगह देगा नहीं वो घुसने के लिए। अभी रिवर्स मार दी इसने, कोई दयालु आदमी था ये बोल रहा भाई चल घुसा ले, नहीं तो जगह नहीं देते हैं बंदे, गालियाँ चार और निकालेंगे आपको। वो देखो वो फिर से घुसा दी उसने उसके पीछे। तो भाई फालतू में ओवरटेक मत करो, चलते रहो पीछे पीछे। अरे भाई साहब ये देखो टाइगर बैठा है ऊपर, अरे भाई साहब बर्फानी तेंदुआ ये है भाई ऊपर, जिंदा ये जिंदा ही है, क्या गजब बैठा है यार। आराम आराम से निकलो यार, गाड़ी में छलांग ना लगा दी। ये है यहाँ का गार्ड, क्या नाम है इसका है? लादू, लादू ये है इसका सिक्योरिटी गार्ड। पूरी गाड़ी की चेक कर रहा भाई क्या क्या लेके आए हैं, जा चेक कर, बहुत बढ़िया। ये देखो लादू को बताओ भाई क्या क्या सामान लेके आए, पूरा चेकिंग कर रहा है। हाँ हाँ चेक कर इसका, चेक कर बैग क्या क्या लेके आया है। शाबाश लादू,
रास्ते में हमने अपने बनाने के लिए सब्जी वगैरह सब खरीद ली थी। हाँ हेलो, खिला यार इसको कुछ, तेरे से मांग रहा है। ओ हेलो साधु, चलो अभी सामान वगैरह अंदर रखते हैं, फिर दिखाते हैं आगे का सीन सिनेरियो क्या बन रहा है। ये नेचर कैंप एंड हट्स, ये अपना गुशैनी रोड पे पड़ता है रास्ते में। तो गाड़ी हमने यहाँ पे कर दी अपनी पार्क और सामान सारा लेकर अभी जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। हमने ना यहाँ बंदा है अपना नोन, उससे बात बात करके पहले अपने लिए एक रूम बुक कर लिया था। अभी अपना खाने पीने का सारा सामान अपन ने गाड़ी से कर लिया है ऑफ लोड। अभी सबसे पहले होगी कुकिंग और फिर खाना वाना खाएंगे, फिर करेंगे रेस्ट और फिर सुबह निकलेंगे नेक्स्ट जर्नी के लिए। यहाँ आपको कैंप वगैरह भी मिल जाएगा, होम स्टे है कैंप। अच्छा ये सारे टेंट वगैरह बुक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ टेंट वगैरह सारा अपने पास अवेलेबल है। ये है अपने भाई साहब, आपको सुबह मिलेंगे हम आपसे, ठीक है ओके। चलो अभी हमने तो आज टेंट बुक की नहीं है, हमने तो अपने लिए एक रूम बुक किया है। ये देखो अपना सिक्योरिटी गार्ड है लादू, हेलो, यहीं पे रहेगा पूरी रात, सिक्योरिटी करेगा हैं, हेलो बोलो, हेलो। ये है भाई साहब अपना रूम, खोलो भाई खोलो। सारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉटेज हमने अपना बुक कर लिया था पहले ही। अब भाई कुकिंग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे बाहर ही भाई बताएंगे, अपना बॉन फायर वगैरह करेंगे अपना बाहर। अरे तो सामान सामान रखो सारा, और अपना सिक्योरिटी गार्ड भाई अलर्ट है पूरा। तुझे क्या चाहिए, खाना खिलाएंगे बाद में खिलाएंगे। हेलो शेक हैंड, शेक हैंड, शेक हैंड, हेलो करो। ओहो बहुत फ्रेंडली है ये भाई साहब। यहाँ पर रिवर है नीचे, इतनी आवाज़ आ रही है ना, शायद आपको भी सुनाई दे रही होगी। रिवर क्या है, इसके साथ में ही तो है, हम सुबह दिखाऊंगा, अभी तो दिख नहीं रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल रिवर साइड में है ये एकदम। अभी यहाँ पे बैठेंगे मस्त एकदम बॉन फायर करने के लिए। अभी देखेंगे या तो इस साइड करेंगे, देखते हैं अभी भाई साहब से पूछेंगे, वही बताएंगे हमें।